एक समय पर रानी लक्ष्मीबाई ने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये लोकतंत्र में एक नई परिभाषा दी है माताओं बहनों ने, जो रुक करके और खिलाफ हैं। जी हाँ, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के यही वो शब्द हैं जिसे लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सत्ता पक्ष बल्कि पूरे बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दिल्ली में वैसे तो चुनावी मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली के किसी कोने में पानी को लेकर दिल्लीवासी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो कहीं सड़क और सफाई को लेकर दिल्लीवासी सड़कों पर उतरे हुए थे। और सबसे अहम बात कि पिछले साल बिल से कानून में तब्दील हुआ नागरिकता संशोधन कानून, तो जैसे विपक्ष को चांदी की तस्तरी में सजा हुआ मुद्दा मिल गया हो। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि शाहीन बाग में सीए का जो विरोध शुरू हुआ वो आज तक जारी है, और साथ ही जारी है शाहीन बाग पर सियासत। और शाहीन बाग पर सियासत कर रहे सियासतदानों को भी शाहीन बाग का मुद्दा इतना प्यारा है कि अपनी बयानबाजियों से वे कभी शाहीन बाग का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ने देते। ऐसे में अभी शाहीन बाग और शाहीन बाग में सीए के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं को लेकर न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरे देश की सियासत सुलगी हुई है। वहीं इस मामले में नया तड़का लगाया है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान ने। दरअसल जहां एक तरफ सरकार शाहीन बाग में सीए के खिलाफ चल रहे धरने को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को झांसी की रानी कहकर न सिर्फ एक नए विवाद को जन्म दे दिया है बल्कि एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि वे शाहीन बाग की महिलाओं के साथ खड़े हैं। घंटाघर में चल रहे प्रोटेस्ट लखनऊ और शाहीन बाग, यहाँ पर समाजवादी की मुझे खुशी है इस बात की कि जहाँ आम लोग उस आंदोलन में हैं, हम बधाई देंगे सभी माताओं बहनों को कि जिन्होंने ये आंदोलन चलाया है। ये लोकतंत्र में एक नई परिभाषा दी है माताओं बहनों ने, जो रुक करके और खिलाफ हैं। जिस तरीके से एक समय पर रानी लक्ष्मीबाई ने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये हमारी माताएं बहनें, संविधान ने जो हमें दिया था, हमारे जो पुराने नेताओं ने जिस तरीके के देश को बनाया था जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, उस भेदभाव को भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाना चाहा और मुस्लिम को हटा दिया। कम से कम ये देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बधाई देना चाहिए। उत्तराखंड की बदलती तस्वीर, यहाँ का बढ़ता पर्यटन और अनेक संभावनाएं गवाह हैं यहाँ बढ़ते निवेश के। किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है जिसके लिए पूंजी निवेश आवश्यक है। उत्तराखंड अपने निवेश के लिए मददगार नीतियों के कारण पूंजीपतियों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। राजधानी दिल्ली से निकटता, यहाँ की जलवायु व भौगोलिक स्थिति, दक्ष मानव संसाधन, उच्च शिक्षण संस्था, श्रम असंतोष का न होना निवेशकों के आकर्षण की प्रमुख वजह है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में निवेश की असीमित संभावनाओं को चिन्हित कर ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे न सिर्फ पूंजी निवेश बढ़ा अपितु निवेश के कई नए आयाम भी खुले। हमने पिछले साल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था जिसमें 1,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षरित हुए थे। साथ ही 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर चुके हैं। देवभूमि से जाने जाने वाली उत्तराखंड की धरती में पर्यटन, IT, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, वेलनेस सहित सेवा क्षेत्र की असीम संभावनाओं को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। चार धाम हाईवे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सह अन्य आधारभूत संरचनाओं के कई परियोजनाओं से न सिर्फ पूंजी निवेश हुआ अपितु अन्य क्षेत्रों जैसे पर्यटन, IT, वेलनेस, ऊर्जा, शिक्षा आदि में भी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारों का भी सृजन हुआ है। अपने युवाओं के दम पे उत्तराखंड विकास के पथ पे अग्रसर हो चला है। सीए का विरोध समाजवादी पार्टी शुरू से कर रही है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने शाहीन बाग की महिलाओं का समर्थन किया है,
उन्हें झांसी की रानी कहकर न सिर्फ सत्ता पक्ष पर पलटवार किया बल्कि शाहीनबाग की महिलाओं को झांसी की रानी कहकर उनके प्रदर्शन और उनके विरोध को भी देशभक्ति का तमगा दे दिया है। अखिलेश यादव का यह बयान अब कौन सा सियासी रंग अख्तियार करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन रोकने तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए होमस्टे योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाभार्थियों को सरकार 33% अथवा 10 लाख तक की छूट भी दे रही है। इस योजना में आप आमदनी हेतु अपने घर पर ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने एक उल्लार गृह आवास जेरीखाल में खोला है कभी होम स्टे के नाम से। जब घर में सबको रोजगार मिल जाएगा तो क्यों जाएगा आदमी बाहर। होमस्टे योजना सीमा सुरक्षा की समस्या का समाधान करने का भी रावत सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। उत्तराखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में अब उचित आवास एवं खानपान की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यटक इन स्थलों की नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत का भरपूर आनंद ले रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी भारतीय परिवार की संस्कृति, परंपराओं और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमालयन माउंटेन होम स्टे के नाम से 70 वर्षों से पुराना घर है, इसमें हमने शुरू किया है। यहाँ पे देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक आते हैं। चारधाम यात्रियों को भी इस बार गांव में घर जैसा माहौल मिल रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सभी पंजीकृत होम स्टेज को अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन सूचीबद्ध किया हुआ है। अपनी डिमांड पर खाना बनवाने जैसी कई सुविधाएं भी ऑनलाइन दर्ज हैं। होमस्टे योजना से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। काम करने वाले भी हमारे यहाँ सारे उत्तराखंड के हमारे भाई होते हैं, जो किसान भाई होते हैं उन्हीं से हम सब्जी लेते हैं, जिनके यहाँ मवेशी होते हैं उनके यहाँ से हम दूध दही लेते हैं। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, ये एक तरह से लोगों का पलायन रोक रही है। अतिथि उत्तराखंड गृह आवास योजना के तहत हमारा जो गांव में पुस्तैनी मकान था उसे हमने होम स्टे पे कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए हमें सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान भी मिला और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। एक अनुकूल वातावरण उत्तराखंड में जो दिया है सरकार ने, उसका परिणाम है कि रिवर्स प्लान शुरू हुआ है, एक अच्छा संकेत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।